गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, आज इसमें जो विभिन्न प्रकार की संपत्तियां हैं उनके संबंध में जो अलग से प्रावधान है वो देखेंगे। उसमें पहला है बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति पर पूंजी लाभ। यदि कोई बीमित संपत्ति किसी कारण से नष्ट होती है और कंपनी से राशि क्षतिपूर्ति के रूप में जो राशि मिलती है या इसके बदले कोई संपत्ति प्राप्त होती है, तो ऐसी प्राप्त राशि और बदले में प्राप्त अन्य संपत्ति का जो बाजार मूल्य होगा वह नष्ट संपत्ति का सेल कंसीडरेशन माना जाएगा और उसकी लागत या इंडेक्स कॉस्ट जैसी भी परिस्थिति है अल्पकालीन या दीर्घकालीन के अनुसार उसके अनुसार अंतर की राशि पूंजी लाभ होगी। यह राशि उस वर्ष आय मानी जाएगी जिस वर्ष में क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हुई है। व्यापारिक स्टॉक के लिए प्राप्त क्षतिपूर्ति लाभ व्यापार और पेशे शीर्षक में कर योग्य होंगे, इस शीर्षक में नहीं होंगे। दूसरा देखिए, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूंजी लाभ, कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। यदि कोई भी लॉ के अंतर्गत, कोई भी विधान के अंतर्गत सरकार द्वारा या अन्य जो संस्था हैं, अगर किसी करदाता की पूंजी संपत्ति का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण हो जाता है तो उसमें क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाती है, तो ऐसी प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि संपत्ति के लिए विक्रय प्रतिफल माना जाएगा। जिस वर्ष में सरकार या अन्य वैधानिक संस्था क्षति की राशि निर्धारित किया है उस वर्ष पूंजी लाभ की गणना की जाएगी। उक्त गणना किया गया पूंजी लाभ उस गत वर्ष में आय माना जाएगा जिस गत वर्ष में क्षतिपूर्ति की राशि की प्रथम किस्त प्राप्त हुई है। निर्धारण तो उसी साल कर देंगे जिस साल अधिग्रहण हुआ है। अगर आगे के सालों में प्राप्त होती है प्रथम बार तो आगे के सालों में करेंगे, उसी साल हो जाती है तो उसी साल करेंगे। अगर कोई क्षतिपूर्ति राशि न्यायालय में आगे कोई वृद्धि होती है तो वृद्धि भी कर योग्य होगी, प्राप्त वृद्धि की राशि पूरी कर योग्य होगी क्योंकि उसमें लागत तो शून्य होगी। यदि संपत्ति स्वामी की मृत्यु के पश्चात अतिरिक्त क्षतिपूर्ति मिलती है तो वो क्षतिपूर्ति उत्तराधिकार के लिए कर योग्य होगी। यदि क्षतिपूर्ति की राशि न्यायालय द्वारा बाद में कम कर दी जाती है तो करदाता अंतिम कर निर्धारण को पुनः निर्धारित करेगा। वह कर निर्धारण अधिकारी करदाता की पूंजी आय की राशि को ऐसे अंतिम निर्णय के 4 वर्षों के भीतर पुनः निर्धारित करेगा। यदि क्षतिपूर्ति की राशि किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण के अंतरिम आदेश के अनुसार प्राप्त हुई है या प्राप्य हो तो पूंजी लाभ उस गत वर्ष में करी होगा जिस गत वर्ष में न्यायालय, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण ने अंतिम आदेश दिए हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, वसीयत या उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति पर पूंजी लाभ। अगर किसी करदाता को कोई संपत्ति, पूंजी संपत्ति वसीयत या उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है तो संपत्ति हस्तांतरित करने वाले की मृत्यु होती है, अतः उसके लिए तो कोई पूंजी लाभ नहीं होता है, परंतु संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसी प्राप्त संपत्ति को जब कभी भी बेचेगा तो पूंजी लाभ की गणना करेंगे और ऐसे समय में उसकी संपत्ति की लागत क्या होगी यह तय करना आवश्यक है। तो उत्तराधिकारी के लिए लागत क्या होगी, वसीयतकर्ता के लिए संपत्ति की जो लागत थी वही उत्तराधिकारी के लिए संपत्ति की लागत होगी। यदि संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त की गई है तो पूर्व स्वामी की लागत की तुलना में 1 अप्रैल 2000 का मूल्य अधिक है तो फिर 1 अप्रैल 2001 को संपत्ति का जो उचित बाजार मूल्य है वो लागत के रूप में लिया जा सकता है। संपत्ति धारण करने की अवधि की गणना कहाँ से करेंगे, उस दिन से करेंगे जब वसीयतकर्ता ने संपत्ति प्राप्त की है। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार लागत वृद्धि सूचकांक का लाभ भी उसी वर्ष से दिया जाएगा जिस वर्ष में वसीयतकर्ता ने संपत्ति प्राप्त की थी। चौथा पॉइंट देखिए, उपहार में प्राप्त संपत्ति पर पूंजी लाभ। उपहार में जब कोई संपत्ति करदाता को प्राप्त होती है तो सबसे पहली बात, उपहार के रूप में प्राप्त आय
अन्य साधनों से आय शीर्षक में करी योगी होती है, वो भी डिपेंड करता है कि वह संबंधित व्यक्ति से प्राप्त हुई है, रिलेटिव से प्राप्त हुई है या असंबंधित व्यक्ति से प्राप्त हुई है, तो वो अपन आगे चल के अन्य साधनों से आय शीर्षक में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर यह देखना है कि उपहारकर्ता को, उपहार ग्रहीता को जो संपत्ति उपहार में प्राप्त हुई है, अगर उसको वो बेचता है तो उस संपत्ति पर बेचने पर जो पूंजी लाभ होगा वो उपहार ग्रहीता के लिए कर योग्य होगा। ऐसी परिस्थिति में उसकी उस संपत्ति की लागत क्या होगी यह निर्भर करेगा कि उपहार संबंधित व्यक्ति से मिला है या असंबंधित व्यक्ति से मिला है। यदि संबंधित व्यक्ति से उपहार मिला है तो ऐसे उपहार प्राय बिना प्रतिफल के होते हैं, और उपहार ग्रहीता के लिए ऐसी संपत्ति की लागत क्या होगी, जो संपत्ति की लागत वही होगी जो उपहार दाता के लिए मानी जाएगी। यदि उपहार 1 अप्रैल 2001 के पूर्व संपत्ति मिली है और 1 अप्रैल 2001 को संपत्ति का मूल्य लागत से अधिक है बाजार मूल्य, तो 1 अप्रैल 2001 को संपत्ति का जो मूल्य है वह लिया जा सकता है, परंतु इस दशा में 1 अप्रैल 2001 के पूर्व उपहारदाता या उपहार ग्रहीता ने संपत्ति में वृद्धि या विस्तार हेतु जो भी राशि व्यय की है वह संपत्ति की लागत में नहीं जोड़ेंगे। संपत्ति को धारण करने की अवधि की गणना उस दिन से करेंगे जब उपहारकर्ता ने संपत्ति क्रय की थी, उपहारदाता ने यानी पूर्व स्वामी ने। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार लागत वृद्धि सूचकांक का लाभ उस वर्ष से दिया जाएगा जिस वर्ष में उपहारदाता ने संपत्ति प्राप्त की है। ये तो हुए संबंधित व्यक्ति से उपहार मिलने पर। अब आइए असंबंधित व्यक्ति से उपहार, इस संबंध में उपहार ग्रहीता के लिए संपत्ति की लागत निर्धारित कैसे करेंगे। यदि बिना प्रतिफल के अचल संपत्ति प्राप्त हुई है, यदि ऐसे इसे बिना प्रतिफल के प्राप्त किया गया है तो उसका स्टाम्प ड्यूटी मूल्य 50,000 से अधिक है तो ऐसी संपत्ति का स्टाम्प ड्यूटी मूल्य ही लागत माना जाएगा। अपर्याप्त प्रतिफल के बदले अचल संपत्ति, यदि अचल संपत्ति का क्रय अपर्याप्त प्रतिफल के बदले हुआ है और ऐसी अचल संपत्ति का हस्तांतरण के दिन मुद्रांक शुल्क हेतु मूल्य अनुबंध में निर्धारित मूल्य के 5% से अधिक नहीं है तो अनुबंध में निर्धारित मूल्य प्राप्तकर्ता के लिए संपत्ति की लागत माना जाएगा, परंतु यदि मुद्रांक शुल्क हेतु मूल्य विक्रय अनुबंध में निर्धारित मूल्य के 5% से अधिक है तो मुद्रांक मूल्य शुल्क हेतु निर्धारित मूल्य ही प्राप्तकर्ता के लिए संपत्ति का लागत मूल्य माना जाएगा। यदि मुद्रांक शुल्क हेतु निर्धारित मूल्य से अनुबंध में निर्धारित मूल्य 50,000 से कम है तो अनुबंध में निर्धारित मूल्य ही संपत्ति का प्रतिफल मूल्य माना जाएगा। बिना प्रतिफल के चल संपत्ति, ऐसी संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है और ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य 50,000 से अधिक है तो ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य ही संपत्ति की लागत माना जाएगा। अपर्याप्त प्रतिफल के बदले चल संपत्ति, यदि ऐसी संपत्तियाँ अपर्याप्त प्रतिफल के बदले में प्राप्त की गई है और चुकाए गए मूल्य और बाजार मूल्य का अंतर 50,000 से अधिक है तो बाजार मूल्य को ही लागत मूल्य माना जाएगा। इस तरह से ये अपन ने देखा कि ये चार बिंदु अपन ने देखे कि जिसमें संपत्ति के हस्तांतरण पर विक्रय मूल्य क्या होगा, लागत किस आधार पर लेंगे, स्वामित्व की अवधि कहाँ से मानेंगे और सूचकांक लगाने के लिए कौन से वर्ष को आधार मानेंगे, ये सारे पॉइंट अपन ने चार यहाँ पर अभी देखे हैं।